बहुत थक गए, अब थोड़ा जाते, इधर बहुत धूप लग रही है ना, तो थोड़ा छाँव में जाते बैठने के लिए। बाल उड़ उड़ के चुड़ैल बना रहे हैं मुझे। ये देख बाल का क्या हाल हुआ है, मैंने थोड़ा अच्छे से कंघी कर लिया इसमें कि अच्छी लगूंगी, तो इसने मुझे चुड़ैल बना दिया। समुद्री चुड़ैल हूँ मैं। सब लोग मुझसे डरो, आ गई समुद्री चुड़ैल। कुछ बोले तो नहीं अजय, कुछ छोड़ तो नहीं दे रहे वहाँ पे? कंघी करके भी कुछ फायदा नहीं, चुड़ैल बन के जा रही हूँ घर पे। घर पे नहीं, अभी थोड़ा और घूमेंगे। अरे ऐसे तो मेरा बाल और हाथ खराब हो जाए। अरे हाँ, ये रही बहुत सारी फिश। लाइन से जा रही है लोग ना। बड़ी भी है। अरे बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रही है। अजय जरा इसको पकड़ो तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और इस ब्लॉग का सेकंड पार्ट लेके मैं आ चुकी हूँ। और ये देखिए नेचर की खूबसूरती। मैं नेचर लवर हूँ ना, इसलिए मुझे बहुत खूबसूरत लगता है ये सब कुछ। ऐसे काम करते हो तो जो ज़्यादा अच्छे लगते हो। अभी यहाँ पर आई हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों को अक्सा बीच भी दिखा देती हूँ, इसलिए मैंने अजय को बोला चलो अक्सा बीच पे भी लेके चलो, क्योंकि थोड़ा सा आगे जाके ही है। और अभी हम लोग अक्सा बीच पे पहुँच गए हैं, तो अजय सीधा गाड़ी लेके नहीं, मैं तो रेत पे भी चला लूँगा, अंदर तक लेके आ गए थे, लेकिन यहाँ पर गाड़ी रुक रही थी, इसके लिए फिर वापस ले जाके उन्होंने गाड़ी पार्किंग में पार्क कर दिया है। तो चलिए चलते हैं अक्सा बीच पे। मतलब बीच पे तो हम लोग आ ही गए हैं, पर बीच आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोगों में से कई लोगों ने देखा भी होगा, पर मैं आप लोगों को पहली बार दिखा रही हूँ। मैं आई हूँ कई बार, पर मैंने जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है मैं पहली बार आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस बीच पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुए हैं। पहले एक बार आई थी तो डिंपल कपाड़िया और ऋषि कपूर की कोई फिल्म की शूटिंग चल रही थी। दोबारा आई थी तो श्रद्धा कपूर की फिल्म थी आशिकी 2, उसकी शूटिंग यहाँ पर हुई थी। अक्सा बीच है, यहाँ पे सब लोग फैमिली के साथ आते हैं। अजय अजय बेचारे अकेले घूमना है, अकेले अकेले कहाँ घूम रहे हो? मैं गायब नहीं हूँ, तुम अकेले घूमते रहते हो। तेरे YouTube पे लगी रहती है तो मैं तो YouTube की दीवानी हूँ, तो YouTube पे लगी रहूँगी। और तुम न जाने कहाँ फ़ोन में खोए रहते हो। चलेगा लेकिन तुम्हारे साथ में से घूम बहुत टाइम बाद घूमने निकले ना हम लोग। ज़्यादातर तो मैं तुम लोग साथ ही घूमी हूँ, तो तुम्हारे साथ घूमना भूल ही गई। तो पहले घुमाते थे, अभी भी मैं अकेली हूँ। वो अकेले बेचारे वहाँ घूम रहे हैं। अकेले अकेले घूम रहे हैं। चलो ठीक है, नहीं जाना है उधर, अजय को जल्दी जाना है, उनका कोई मीटिंग शीटिंग है, इसलिए जल्दी जाने के लिए बोल रहे हैं। तो चलो अभी चलते हैं घर पे। अक्सा बीच दिखाना था आप लोगों को, दिखा दिया मैंने। ये देखो फिर से देखो, फिर से देखो। हम लोग वहाँ पे गए थे, वो दिख रहा पत्थर सब बड़ा बड़ा, वहाँ पर हम लोग गए थे। और हम लोग अभी यहाँ पे आ गए हैं। ये बिल्डिंग सामने दिख रही है, ये मढ़ है ना अजय? वो मढ़ है। यहाँ से पैगोड़ा नहीं दिख रहा है, वहाँ से पैगोड़ा दिख रहा था, यहाँ से नहीं दिख रहा है। तो चलो चलते हैं अभी। अजय का बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है जब कहीं घुमाने लेके जाते हैं तभी, नहीं तो घर पे आके सो जाएंगे। कितना भी बोलो चलो 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 तो नहीं जाएंगे। जा रही, बच्चे लोग भी नहीं आए ना साथ में, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है।
बच्चे के साथ में रहते तो अच्छा लगता, थोड़ा थोड़ी देर रुक भी सकती थी, नहीं रुक सकती हूँ, क्या पता लवली घर पे आई कि नहीं, उसको कॉल करती पहले फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी निकल गए हम लोग घर के लिए, अब रास्ते ही दिखाऊंगी आप लोगों को, क्या करूँ, इसके अलावा क्या बचा है दिखाने के लिए। मंदिर के पास आती हूँ तो मुझे हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ख़तरनाक हादसा याद आता है, क्योंकि इस मंदिर तक उस टाइम पे वहाँ अक्सा बीच से लेके इस मंदिर तक हम लोग चल के आए थे, क्योंकि मैं और बिंदु हम दोनों 10 साल पहले, हमारे बच्चे जब छोटे छोटे थे तो हम बच्चों को घुमाने के लिए लेके आए थे अक्सा, और यहाँ संडे का दिन था जिसकी वजह से एक भी गाड़ी हम लोगों को मिल नहीं रही थी, ना ऑटो मिल रही थी और ना ही कोई बस मिल रही थी खाली। हम लोग इतने थक गए थे, दोनों बच्चे छोटे छोटे हाथ में और मेरे दोनों बच्चे ये डॉली लवली चल के, इतने सब परेशान हो गए थे ना, कैसे कैसे हम लोग उस दिन घर पे पहुँचे थे हम लोग कभी नहीं भूल सकते, बच्चे भी कभी नहीं भूलते, बोलते नहीं हम लोग कभी अक्सा बीच नहीं जाएंगे। लेकिन अभी देखो गाड़ी पे आराम से आ रही हूँ, बिंदु भी वही टेंशन बिंदु को भी वही बार बार टेंशन हो रहा था कि अगर मैं अपनी गाड़ी लेके आई होती तो हम लोग घर तक आराम से पहुंच जाते ना, एक एक करके सबको मैं घर पे छोड़ देती, दो दो तीन तीन को एक एक गाड़ी पे बिठा के एक एक बार में घर पे छोड़ देती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हमारे साथ बहुत ख़तरनाक हादसा हुआ था। तो पहुंच गए हैं, माता रानी से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू माता रानी मैं यहाँ तक आ गई, और आज माता रानी और गणपति बप्पा ने भी चेंज कर लिया है, सभी ने चेंज किया है, अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो आप लोग, चूड़ल नंबर वन लग रही हो। तभी चलते हैं ऊपर, बहुत थकावट लग गई है, गाड़ी मैं नहीं अजय चला रहे थे लेकिन थक मैं गई हूँ, ऐसा लग रहा है मैं गाड़ी खींच खींच के लेके गई हूँ, तो घर पर चलते फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तभी मैं घर पे आ गई, खाना खा लिया मैंने और बहुत ज़ोरदार नींद आ रही है मुझे, इतनी थकावट लग गई है, तो थोड़ा सा आराम करती हूँ फिर बाद में आप लोगों से। यहाँ पर सब तरफ, यहाँ पर आयुष्मान अपर्ति की बैठी है, वहाँ पर डॉली पढ़ाई कर रही है और मैं गाड़ी से, बहुत थकावट लग गई है, बाद में मिलूँगी आप लोगों से। थोड़ी देर आराम करने के लिए गई और मुझे नींद आ गई अच्छी सी, थोड़ा सो गई, 15-20 मिनट सो गई थी, तभी बहुत अच्छा लग रहा, सो के उठी हूँ ना तो ये मूड होके आ गई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम शांत लग रहा है। कहीं भी हम लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए, मतलब गाड़ी पे जब जाते हैं तो, वैसे तो स्कूटी था तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन अगर कार वार होता, बस वस होता तो फिर मेरी तो हालत ख़राब हो जाती, लेकिन स्कूटी था तो शुक्र है कि थोड़ा सा मतलब अच्छा लगा, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ स्कूटी पर तकलीफ़ नहीं होती, अच्छा ही लगता है। तो फिर भी बाहर कहीं जाते हैं ना घूमने के लिए तो थोड़ा सा अलग ही लगने लगता है ना, और तो दूर जाओ गाड़ी पे बैठ के तो, और स्पीड ब्रेकर वगैरह आता है तो गाड़ी कितना उछलती है, अच्छा कि बेचारे की कितनी हालत ख़राब हो जाती है दिन भर में, जब रात को आते हैं ना तो हमेशा बोलते रहते हैं मेरा कमर दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, तो मैं उनको चिल्लाती रहती हूँ रोज़ रोज़, तो तुम बोलते ही रहते हो दुख रहा है सो जाओ चुपचाप से, पर ऐसा मैं खुद जाती तो मुझे मालूम पड़ जाता है कितनी तकलीफ़ होती होगी उनको भी। तब वो तो जा चुके हैं, उन्होंने भी थोड़ा सा आराम किया और चले गए, और मैं अभी उठी हूँ तो थोड़ा सा काम है वो निपटा लेती हूँ, फिर लवली को भी उठाया है तो वो चाय बनाएगी, थोड़ा पी के फ्रेश होती हूँ, फिर बाद में आप लोगों से मिलती हूँ।